ये वीडियो हिंदी भाषा में है। इसका टाइटल है फ्रेशर स्टूडेंट्स कनाडा में पहली जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको कोई भी पूछता है आप यहाँ पे क्या हो, तो आप फट से बोल देते हो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। देखो बच्चे तो कनाडा वालों के भी हैं, वो भी स्टडी करते हैं, पर आप जहाँ भी जाओ उस वहाँ ये नहीं कहना कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। सीधी बात, आपने उसको कहना कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ रूल्स डिफरेंट हैं। आप यदि इंटरनेशनल कहोगे तो आपको वो जानकारी नहीं दी जाती। सो पहले आपने जॉब कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जिस शहर में रह रहे हो आप गूगल पे बैठो जॉब्स इन, जैसे मैं सरी में रहता हूँ तो मैं उसको जॉब्स इन सरी लिखूँगा। यदि आप टोरंटो में रहे हो जॉब्स इन टोरंटो, यदि आप रजाइना में हो जॉब्स इन रजाइना, यदि आप जॉब्स इन कैलगरी में रहे हो तो जॉब्स इन कैलगरी टाइप कीजिए। वहाँ के आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा आप जॉब और कैसे ढूंढ सकते हो, लिस्ट ऑफ बिल्डर्स इन ब्रिटिश कोलंबिया, लिस्ट ऑफ पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, लिस्ट ऑफ ड्राईवॉल कॉन्ट्रैक्टर्स, लिस्ट ऑफ फायर स्प्रिंकलर कॉन्ट्रैक्टर्स। इसके बाद में मैं कुछ नाम बोलने जा रहा हूँ उनके, आप यहाँ कानून क्या कहता है कनाडा का, हर बिजनेस का एक वेबसाइट होता है, तो आप ने जिस भी संस्था में काम करना है, चाहे आर्मी में भर्ती हो लो, चाहे पुलिस में भर्ती हो लो, चाहे सिक्योरिटी में कर चले जाओ, चाहे आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, तो आपको उसका वेबसाइट निकाल के उसके ऊपर अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना होता है। तो वहाँ की जो भी जॉब पोस्टिंग होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आती रहेगी। आपको दो ईमेल आईडी बना लेनी चाहिए, एक तो पर्सनल ईमेल आईडी जो आप किसी को बताते ही नहीं हो, कोई बात नहीं है, इसके लिए अलग से ईमेल आईडी बनाओ और उसको अपने सेल फोन में रजिस्टर कर लो, ताकि वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको मैसेज मिलता रहे कि आपके लिए नई पोस्टिंग निकल चुकी है। ये बात पक्का ध्यान में कीजिए, जब भी आपने अप्लाई करना है आपका बायोडाटा या रिज्यूम जिसको कहा जाता है वो कनेडियन स्टाइल में होना चाहिए। इसके लिए आपको फ्री में हेल्प जो आपकी लोकल लाइब्रेरी है उसके वर्किंग आवर में, वहाँ पे जाकर आप हेल्प ले सकते हो कैरियर काउंसलर से। 70% जो एम्प्लॉयर की डिमांड है वो आपने मीट आउट करनी है। यदि आप देखते हो कि जब आप बताते हो कि मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अपना दोस्त साथ लेकर जाओ या सहेली लेकर जाओ। एम्प्लॉयर को 5 दिन या 7ों दिन काम कराना होता है, तो आप एक स्टूडेंट की बजाय 2 स्टूडेंट इकट्ठे होकर भी वो जॉब निभा सकते हो, फरलो नहीं मार सकते ना छुट्टी मार सकते हो। तो आगे मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के कैटेगरी बताने जा रहा हूँ, उनके भी आप वेबसाइट निकाल के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पर निर्भर करता है कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, कौन सी नहीं करना चाहते हो। गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये वो होते हैं जो नई बिल्डिंगों के बाहर बगीचे लगाते हैं, फूल पौधे या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो सारा साल ही चाहे स्नो पड़ती हो वो हरे रहते हैं। फेंसिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, जो घरों के बाहर आपने देखा होगा कि लकड़ की पार्टीशन बनाते हैं या मेटल की रेलिंग बनाते हैं। मटेरियल सप्लायर कंपनीज, क्या होता है कनाडा में जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो यदि आप बल्क में ऑर्डर करते हो, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका सामान उनके प्रोजेक्ट के ऊपर भिजवा दिया जाता है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। इक्विपमेंट रेंटिंग कंपनीज, आपने देखा होगा जब आप सड़क पे जा रहे हो तो बहुत सारी मशीनें रेंट पे मिलती हैं, तो वहाँ पे उनको सैटरडे, ये स्पेशली मैं बताता हूँ कि यहाँ के लोग फ्राइडे 3 बजे के बाद और सैटरडे संडे बिल्कुल जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, पर आपकी मजबूरी है। यदि आप जॉब इन 3 दिनों में ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। यदि आप पार्ट टाइम जॉब होती है जो 4 घंटे डेली के लिए होती है,
जो रेगुलर जॉब होती है वो मिनिमम 8 आवर्स पर डे एंड मैक्सिमम 40 आवर्स इन ए वीक होती है। फिर आ गया सर्वर जॉब्स इन रेस्टोरेंट्स मैरिज हॉल्स, फिर है सेल्स मैन सेल्स गर्ल जॉब्स, क्लीनिंग जॉब्स। लड़कियों के लिए ये जॉब सूटेबल बहुत ज़्यादा है। ये काम सिर्फ शाम को ही होता है जब दफ्तर और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद हो जाते हैं। 3-4 घंटे की जॉब होती है, आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाना पड़ता, टोटली काम वैक्यूम क्लीनर और सफाई करने के लिए मशीनों से होता है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप खड़े होकर काम कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट जॉब है। फील्ड वर्कर, एग्जर्वेशन कंट्रैक्टर, कंक्रीट कंट्रैक्टर, फ्रेमिंग कंट्रैक्टर, स्टील रीइंफोर्समेंट कंट्रैक्टर, विंडो एंड डोर इंस्टॉलर, किचन कैबिनेट इंस्टॉलर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC, जिसको भारत में हम लोग एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन कहते हैं, वो HVAC कनाडा के नाम से कहला जाते हैं। फायर अलार्म एंड स्प्रिंकलर, ये काम बहुत आसान है, लड़कियां भी आराम से कर सकती हैं। रूफिंग, ये ऊंचाई पे काम करना होता है। एज ए स्टूडेंट मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, पर यदि आपकी मजबूरी है कि आपको कोई काम नहीं मिलता तो रूफिंग का काम थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ छतें ढलान 45 डिग्री के एंगल पे होती हैं। इंसुलेशन, ड्राईवॉल, टेपिंग, प्लास्टर, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का काम आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ये काम बैठकर गोड्डों के भार किया जाता है। टाइल फिक्सिंग, जो टाइलें लगाते हैं बाथरूम या किचन कैबिनेट के ऊपर। फिनिशिंग कारपेंट्री, पेंटिंग, मैसनरी, लैंडस्केपिंग एंड प्रोडक्शन वर्कर्स। आपको जॉब ढूंढने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यदि ये सिस्टम आप अडॉप्ट करते हो तो आपको ये काम नौकरी ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है। यदि आपको कोई जानकारी या पर्सनल डिस्कशन चाहिए कनाडा के अंदर, मैं सरी शहर में रहता हूं जो ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है। सैटरडे संडे सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो। पहले वीडियो सुनिए, फिर इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। यदि आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आपकी नियरेस्ट लाइब्रेरी में जाइए, आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से फ्री में जानकारी और ट्रेनिंग मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारा पटियाला पंजाब में ऑफिस है, वहाँ का फ़ोन नंबर है 9815101148। ऊपर भी नंबर लिख दिए गए हैं, आप उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस।